ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः मंगलमूर्तये नमः। सभी लोग दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं जवाह्याभ्यन्तरात् पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो। अब दाहिने हाथ से सभी लोग तीन बार जल पीना है। दाहिने हाथ से सभी लोगों को जल पीना है। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए सभी लोग। अब पुरुष वर्ग पवित्री पहन लेंगे। पुरुष वर्ग पवित्री पहन लेंगे। ओम पावितरे स्थो भैरव्यौ शावे दुर्वा प्राशावा उत्पो नाम यक्षतरे ना पावितरे यासोर्जन्यारचमे भेह तस्याते पावित्रा पादे पावित्रा पूतस्या जत्कामा पुने तच्छके आम्मा धारणम कृतवा विष्णुर्वरेद ओम ईदाम विष्णुर्विचक्रामे धाने दधे पादम्मा सामूढमज्या पाद्घुषुरे स्वाहा आवो ज्योतिरजोमृतम ब्रह्म पूर्ववास्वरो। हाथ दाहिने हाथ में जल लेकर के आसन शुद्धि ही ओम देवी ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः पद्मासनाय नमः। अब माताएं हाथ जोड़ लेंगी और पुरुष वर्ग शिखा स्पर्श करेंगे। पूर्व के रूपाक्षे मांदोजने तिष्ठते विजगा वंदे चामुंडे चापराजिते। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि हमारे घर में सुख शांति रहे और हम यह पूजन कर रहे हैं हमारी मनोकामना की प्राप्ति हो। ओम तीक्ष्ण धनुष महाकाय कल्पान्तधनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्द्रातुमर्हते। हाथ जोड़ करके गुरु जी के चरणों को प्रणाम करिएगा। ओम अखंड मंडलाकार व्यापम येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमले भ्यो नमः मंगलमूर्तये नमः। अब हाथ में पुष्प लेकर के अपने मंगल की कामना करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें और अपने घर में मंगल की कामना करेंगे। हरि ओम मा विश्वानी देवी दर्दोरेता निपारा शुव जत भद्रांता न आशुव दियौ शांति रे शांति
शान्ना कोल पराजा भ्यो भायाना पशुभ्या सुशांतिर भवतो। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सजी पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वारुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। विषवेशं माधवं ढुंडे दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिदयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देव श्री गया तीर्थ क्षेत्र देवताभ्यो नमः। श्री गदाधराय नमः। फल्गुदेव्यै नमः। शिलादि गया तीर्थस्थ देवताभ्यो नमः। सभी लोग सामने अर्पण कर देंगे और दाहिने हाथ में जल अक्षत और पैसा, जल अक्षत और दक्षिणा दाहिने हाथ में ले लेंगे और संकल्प करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, तीन बार कहें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, नमः ओम श्री बागेश्वराय नमः, ओम श्री सन्यासी देवाय नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री गदाधराय नमः, नमः पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणः अहनि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराहकल्पे जम्बुद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तैक देशांतर्गत बिहार प्रदेशे गया तीर्थ क्षेत्रे फल्गु नद्याः पूर्व दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे कालयुक्त नामके संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने उत्तरगोल
शरद ऋतौ महामांगल्य प्रद माशोत्तमे मासे पुण्य पवित्र आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य कृष्ण पक्षीय द्वादश्याम शुभ पुण्य तिथौ भानुवासरे मघा नक्षत्रे श्राद्ध योगे तैतिल करणे शिंबरासि स्थिते श्रीचंद्रे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये वृष राशि स्थिते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु च यथायथं राशि स्थानानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम कहिए, सभी लोग अपना अपना नाम कहिए, कहिए सकुटुंब सब परिवार सहितः अहम विशेषतः गर्ग गोत्रेण श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग परिव्राजकानां संकल्पित कामना सिद्ध्यर्थं च मम सद्गुरुदेवाय अचल कृपा प्राप्ति अर्थं विशेषतः मम गृहे सुख शांति नित्य कल्याण स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम सर्वाबाधा शमनार्थम दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभि वृद्ध्यर्थम मत्कुले समस्त पीड़ा शमनार्थम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस ब्रह्मराक्षसी गण आदि दोष निवृत्ति अर्थम शांत्यर्थम शरीरे उत्पन्न आदि व्याधि पीड़ा कष्ट निवारणार्थम च शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम श्री गदाधर श्री विष्णु प्रसन्नार्थम तत्चरण कृपा प्रसादात् अद्य करिष्यमाण त्रिपिंडी श्राद्धांग देव ऋषि पितृणां तर्पणं करिष्ये। सामने अर्पण कर दें बाहर। संकल्पितार्थ सिद्धिरस्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदये ते दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। संकल्पितार्थ सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। अब दोनों हाथ से ऐसे अंजलि बना करके अपने पितरों का आवाहन करना है, सभी का जिनका जिनका आप चेहरा देखे हैं उन सब पितरों का ध्यान करते हुए और पूर्वजों का आवाहन करना है। ॐ ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋजया सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। अब सबसे पहले देवताओं का तर्पण करना है, जैसे पहले दिन बनाए थे देव तीर्थ, पता है ना कैसे होता है। सामने ये देव तीर्थ से जैसे ही कहेंगे जौ कुशा और जल लेना है तो देव तीर से तर्पण करेंगे।
पहले चावल, पहले चावल लेंगे, जल लेंगे, चावल कुशा और जल लेते हुए देवताओं का तर्पण करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? दाहिने हाथ में जल, चावल और कुशा लेकर के बाएं हाथ से जल छोड़ते रहेंगे और तर्पण करना। जो बोल सकते हैं तो तृप्यताम बोल सकते हैं, यदि बोलने में असमर्थता है तो केवल श्रवण करेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यता, ओम विष्णु तृप्यता, ओम रुद्र तृप्यता, ओम प्रजापति तृप्यता, ओम देवा तृप्यता, ओम छंदांसि तृप्यता, ओम वेद तृप्यता, ओम ऋषयः तृप्यता, ओम पुराणाचार्याः तृप्यता, ओम गंधर्वाः तृप्यता, ओम इतराचार्याः तृप्यता, ओम संवत्सरः तृप्यता, ओम देव्यः तृप्यता, ओम अप्सरसः तृप्यता, ओम देवानुगाः तृप्यता, ओम नागाः तृप्यता, ओम सागराः तृप्यता, ओम पर्वताः तृप्यता, ओम सरितः तृप्यता, ओम मनुष्याः तृप्यता, ओम यक्षाः तृप्यता, ओम रक्षांसि तृप्यता, ओम पिशाचाः तृप्यता, ओम सुपर्णाः तृप्यता, भूतानि तृप्यन्ता, पशवः तृप्यन्ता, वनस्पतयः तृप्यन्ता, औषधयः तृप्यन्ता, भूतग्राम चतुर्विधः तृप्यन्ता, मरीचिः तृप्यन्ता, अत्रिः तृप्यन्ता, अङ्गिराः तृप्यन्ता, पुलसः तृप्यता, पुलहस्तः तृप्यता, कृतुः तृप्यता, वसिष्ठः तृप्यता, प्रचेताः तृप्यता, भृगुः तृप्यता, ओम नारदाः तृप्यता। अब उत्तर की तरफ घूम जाएंगे, उत्तर की तरफ, और ऋषि तीर्थ से सबको तर्पण करना है। ऋषि तीर्थ जो सबसे छोटी अंगुली है, जौ रख लेंगे, कुशा रख लेंगे और जल रख लेंगे। जौ, कुशा और जल, ऋषि तीर्थ जो छोटी वाली अंगुली है सबसे, ये छोटी वाली अंगुली की तरफ से ऋषि तीर्थ से करना है। हो गया सब लोगों का? आगे तरफ सब लोग घूम गए उत्तर की तरफ? सबके पास सामग्री है, हाथ उठाए रहिएगा। जिनके पास सामग्री नहीं हो तुरंत व्यवस्थापक लोग वहां पहुंचाएं, शीघ्रातिशीघ्र, बड़े भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप लोग ऋषि तर्पण करें। हमारे घर में, वंश में ऋषियों की कृपा बनी रहे, विद्या बुद्धि से परिपूर्ण हो, इन ऋषियों की कृपा हमारे वंश पर बनी रहे, ऐसा भाव रखते हुए तर्पण करना है। हो गया सबके पास, प्रारंभ किया जाए। ओम, अब दो दो बार, एक बार जल डालेंगे, दो बार में छोड़ेंगे। ओम सनकः तृप्यता, तृप्यता, ओम सनंदनः तृप्यता, तृप्यता, ओम सनातनः तृप्यता, तृप्यता, ओम कपिलः तृप्यता, कपिलः तृप्यता, ओम आसुरः तृप्यता, आसुरेश तृप्यता, ओम बोढो तृप्यता, बोढोस् तृप्यता, ओम पंचशिखः तृप्यता, ओम पंचशिखः तृप्यता। हाँ, अब सभी लोग दक्षिण की तरफ मुख कर लेंगे और पितृ तीर्थ से सबको तर्पण करना है। दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ सभी लोग घूम जाएं, हमारे तरफ। अब काला तिल
दाहिने हाथ में काला तिल लेना है, कुशा लेना है और जल लेना है। पितृ तीर्थ से सभी को तर्पण करना है। शायद अब तो सबको पता चल ही गया होगा, पितृ तीर्थ से ही सबको करना है। ये तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य में से, ठीक है, बड़े भाव से अभी पितरों के देवताओं का तर्पण करना है। ओम कब बाणः त्रिवेदाम इदं फजलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमः त्रिवेदाम इदं फजलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमः त्रिवेदाम इदं फजलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम आर्यमः त्रिवेदाम इदं फजलम जलम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम अग्निखवादाः त्रिवेदाम इदं फजलम जलम तेभ्यः स्वधा तेभ्यस्वधा तेभ्यस्वधा। ओम सोममा पितरः त्रिव्यन्दामिदं फजलं जलम् तेभ्यस्वधा तेभ्यस्वधा तेभ्यस्वधा। ओम वरिगदः पितरः त्रिव्यदामिदं फजलं जलम् तेभ्यस्वधा तेभ्यस्वधा तेभ्यस्वधा। अब शास्त्रों में 14 प्रकार के यम हैं, उन 14 यमों को भी जल देना है। 3-3 बार जल देते रहे, ठीक है, एक बार में जल भरते हुए 3-3 बार में जल ऐसे गिराते रहेंगे। देख लीजिएगा, काला तिल साथ में लिए रहिए, काला तिल और कुशा और जल डालते हुए तर्पण करना है। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अनंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। पुनः हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग, बड़े भाव से अपने पितरों का ध्यान करना है, आवाहन करना। ओम आगच्छन्तु मे पितरम् एवं गृह्णाम दुजलांजले। अब जो है जिनके पिताजी नहीं है, पिताजी के नाम से तर्पण करना है। ओम गोत्रः असमत पिता नाम कहिएगा बशरूपा त्रिपदाविदं तिलोदका तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब दादाजी का नाम कहिएगा गोत्रः असमत पितामहः रुद्रस्वरूपः त्रिप्यदामिदं तिलोदकम् तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। पर दादाजी का ध्यान करिएगा गोत्रः असमत पिता ओम असमत प्रपितामह आदित्य स्वरूपः त्रिप्यदामिदं तिलोदकम् तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम मधुबादारितायते मधुक्षारन्दिहेन्दवः माध्वीर्णा छन्दोकादिः मधुनक्तमोदोकरो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधु द्यौरस्तुराः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमा अस्तु सूर्याः माधवीर्गावो भवन्तु नः। अब जिनके माताजी नहीं है तो माताजी के नाम से करना है। गोत्रा अस्मन् माता
हम की देवी नाम कहिएगा गायत्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदम तिलोदका तस्यै स्वधा। दादी जी का नाम कहिएगा गोत्रा अस्मत् पितामही सावित्री स्वरूपा त्रिप्यदाम इदं तिलोदकं तस्यै स्वधा। अपर दादी जी का ध्यान करिएगा गोत्रा अस्मत् प्रपितामही नाम कहिएगा सरस्वती स्वरूपा त्रिप्यदाम इदं तिलोदकं तस्यै स्वधा। अगर किसी के सौतेली माता थी उनके नाम से करना है गोत्रा अस्मत् पत्नमाता आपकी देवी नाम कहिए गायत्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदं तिलोदका तस्यै स्वधा। अब नाना जी का जिनके नाना जी नहीं है उनके नाम से करना है गोत्राहा नाना जी का नाम कहिए अस्मन माता बशरूपा त्रिप्यदाम इदं तिलोदका तस्मै स्वधा। अब पर नाना जी का ध्यान करिएगा गोत्राहा अस्मत प्रमाता महा रुद्रस्वरूपा त्रिप्यदाम इदं तिलोदका तस्मै स्वधा। अद्य गोत्रा अस्मद् वृद्ध प्रमाता महा आदित्यस्वरूपा द्रप्यदाम इदं तिलोदका तस्मै स्वधा। अब नानी जी का ध्यान करिएगा जिनके नानी नहीं है उनका उन्हीं को करना है गोत्रा अस्मन माता मही उनका नाम कहिए गायत्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदं तिलोदकं तस्यै स्वधा। अपर नानी जी का ध्यान करिएगा गोत्रा अस्मत् प्रमाता मही अमकी देवी सावित्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदं तिलोदकं तस्यै स्वधा। अवृद्ध पर नानी जी का ध्यान करिएगा गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमाता मही अमकी देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिप्यदाम इदं तिलोदकं तस्यै स्वधा। जिनके पत्नी नहीं है तो पत्नी के नाम से करना है अद्य अस्मत् पत्नी अमकी देवी इदं सदिलं जलं तस्यै स्वधा। जिनके पुत्र नहीं है पुत्र गत हुए हो उनके नाम से करना है अद्य अर्मद पुत्रा इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। जिनके चाचा जी नहीं है चाचा जी के नाम से करना है छोटे चाचा हो या बड़े चाचा हो या चाचाओं की जितनी संख्या है उनके उनका नाम सभी का चाचा ताऊ सबका नाम लेते रहना है अद्यो अदमद पितृव्याः इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। अब चाची जी के नाम से करना है अद्यो असमद पृथिव्य पत्नी यमकी देवी इदं सदिलं जलं तस्यै स्वधा। चाचा का लड़का चचेरा भाई कोई हो अद्य अरमद पितृव्य पुत्रः इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। मामा जी का ध्यान करिए अद्य अरमन मातुलः अमुक गोत्रा इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। मामी जी का ध्यान करिए अद्य अस्मन मातुलानि गोत्रा अमुकी देवी सदिलं जलं तस्यै स्वधा। ममियाउत भाई कोई हो उनका ध्यान करिए अद्य अश्मन मातुल पुत्राः अमुक गोत्रा इदं फतिलं जलं तस्मै स्वधा। अपना कोई सगा भाई हो या चचेरा भाई हो भाई के नाम से करना है अद्य अडमद भ्राता अमुक इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। कोई भतीजा हो चाचा की कोई लड़की हो उनके नाम से करना है इदं फतिलं जलं तस्यै स्वधा। और अपने भाई की कोई स्त्री हो अद्य अडमद भ्रातृपत्नी इदं सदिलं जलं तस्यै स्वधा। कोई भतीजा हो अद्य अडमद भ्रातृपुत्रः इदं सदिलं जलं तस्मै स्वधा। फूफा जी का नाम कहिएगा अद्य
अस्मद पितृ स्व श्रीपति ही अमुक शर्मा इदम सदिलम जला तस्मै स्वधा। फुआ जी का ध्यान करिए, जिनके फुआ नहीं है, अद्य अनमित अस्मत पितृ स्वसा अमुक गोत्रा इदम सदिलम जला तस्यै स्वधा। फुफेरा भाई, फुआ का लड़का यदि कोई गत हुआ है, उनका नाम कहिए, अद्य अनमत पैतृस स्वत्रेयः इदम सदिलम जला तस्मै स्वधा। मौसा जी का ध्यान करिएगा, अद्य अस्मन् मातृस्व श्रीपतिः इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा। मौसी, अद्य अस्मन् मातृस्व सा अमकी देवी इदम सतिलम जला तस्यै स्वधा। मौसेरा कोई भाई हो, इद अद्य अजमन मातृस्वत्रेयः इदम सदिलम जला तस्मै स्वधा। अपनी कोई बहन हो, अद्य अर्मद भगनी अमुक गोत्रा इदम सदिलम जला तस्यै स्वधा। अपना कोई बहनोई हो, अद्य अर्मद भगनीपति इदम सदिलम जला तस्मै स्वधा। बहन का कोई लड़का हो, भांजा, अद्य अर्मद भाग्नेयः इदम सदिलम जला तस्मै स्वधा। अपने ससुर यदि गत हुए हो, अद्य अर्मद ससुराः इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा। अब सासु माँ का ध्यान करिए, अद्य अर्मद ससुरुः इदम सतिलम जला तस्यै स्वधा। अब गुरु, आपके शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनका ध्यान करते हुए जलांजलि देना है, अद्य अर्मद गुरुः इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा। अद्य अब मित्र का, जो भी मित्र हो उनका ध्यान करते हुए, अद्य अस्मन् मित्राम इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा। अपने कोई सेवक हो या नौकर हो, कोई ज्ञात अज्ञात में, उनके नाम से करिएगा, अद्य अस्मद् भृत्याः अमुक अमुक नाम धेयाः इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा। अब जो है, जिनका नाम हम नहीं बोले हैं और आपको पता है, उनका ध्यान करते हुए या जिनका नाम लिख करके लाए थे, उनका नाम कोई ज्ञात अज्ञात में छुटे हुए हो, उनके नाम से करना है। तीन बार छोड़िएगा, त्रिप्यध्वा त्रिप्यध्वा त्रिप्यध्वा। तीन अंजलि छोड़ दीजिएगा, ज्ञात अथवा अज्ञात जो लोग हैं। अब पूरब की तरफ मुख घूम जाइए, कर लीजिए, पुत्री के लिए बोले ना, पति और पुत्री के लिए। अद्य अर्मत् कन्या इदं सतिलं जलं तस्मै तस्यै स्वधा। अद्य अर्मत् पतिः इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। पूरब की तरफ मुख कर लीजिए, पूरब की तरफ मुख कर लीजिए। हाँ जी, थाली भी करना पड़े। व्यवस्थापक लोग शीघ्रातिशीघ्र देखें पात्र में जल। थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाइए, जिससे जो है, क्योंकि जल तर्पण का आप लेके ही जाएं फल्गु में, वो ही अच्छा है। अब जो करने जा रहे हैं, तो हमारे पूर्वज देवताओं की श्रेणी उनको प्राप्त नहीं हुई, या किसी नाग के रूप में है, या गंधर्व के रूप में है, या राक्षस के रूप में है, या पिशाच के रूप में है, या किसी भी प्रकार के जीव में है, खगाह किसी भी जीव के रूप में है, या जल के जीव के रूप में है, या भूमि में जीव के रूप में है, या वायु धराश हवा के रूप में संचरण कर रहे हैं, तो उन सबकी तृप्ति हो और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी सदगति हो, ऐसा भाव करते हुए जल की धारा देते हुए अक्षत साथ में रख लेंगे और कुशा रख लेंगे, जल की धारा देंगे।
देव तीर्थ से करना है सीधा जी। हो गया सबका, जिसका नहीं हुआ है हाथ उठा देंगे। देखिए भाई पहुंचिए, जहां हाथ खड़ा किए रहिएगा जिसका, जब तक हो ना जाए। व्यवस्थापक लोग पहुंचाइए, सब लोगों का एक साथ में और सबका बड़े भाव से ही होना चाहिए। गौरव जी पीछे हाथ उठाए, यहां इधर इधर अब जो है हाथ में चावल लेकर के एक बार जल उसमें सामने गिराइए और चावल भी झाड़ लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए। और अब जो जल की धारा देना है वो धारा टूटे ना, प्रयास करें थोड़ा थोड़ा जल जो है गिरता रहे, कुशा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जल की धारा बनी रहे, ऐसे जल छोड़ें देव तीर्थ से। चावल झाड़ लेना, चावल चावल नहीं केवल जल, केवल जल आना। हो गया सबके पास, शुरू किया जाए। जिसके पास असुविधा है तो हाथ उठा देंगे, सही है। चलिए बड़े भाव से, देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरव खगाः जले चरा भूनिलया वायवाधरा च जन्तवः तृप्तिमेतो प्रयन्द्वाजो मत्तरेनाम्बुनाकुलाखिलाः। अब जो है पुनः दक्षिण की तरफ घूम जाइए, अपशब्य हो जाइए। अब यहां भी जल उसी तरह गिराना है, लेकिन देव तीर्थ से, वो पितृ तीर्थ से गिराना है, पितृ तीर्थ से गिराना है। काला तिल नहीं रखना, केवल जल रहेगा, केवल जल रहेगा। और उसी तरह जल की धारा ना टूटे, थोड़ा थोड़ा देते हुए कुशा के माध्यम से जल नीचे गिरे। यह भाव यह है कि हमारे जो पितृ लोग हैं किसी भी प्रकार के नरक में है, किसी भी यातना में है, या कोई भी हमारे बंधु बांधव हो, या ये में कुले लुप्त पिंडा, किसी का जो पिंड दान इत्यादि नहीं हुआ है, सबकी तृप्ति हो जाए, या किसी भी सातों द्वीपों में कोई रहे हो उनकी सदगति नहीं हुई है, उन सब जीवों की सदगति के लिए यह कर रहे हैं बड़े भाव से। ओम नरकेजु समस्तेजु यातना जय सिदाह तेसाम्यादय्यते सलिलं मया ये बांधवा बांधवाश्चा ये न जन्मनि बांधवाः ते दीप्तिमखिलायान् याश्वमस्तो विवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तम् अक्षय्यम् इदम् अस्तु तिलोदका अब्रह्मस्तर्म पर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमादा महादयः अतीतकुलकोटीना सप्तद्वीपनिवासिना अब्रह्ममुला लोका इदम् अस्तु तिलोदका। अब जो है गमछे के कोने में तिल रखिए, ये है किसी भी प्रकार का
जो माताओं बहनों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं ज्ञात अथवा अज्ञात में, उन सब जीवों की सदगति के लिए करना है। यदि माताएं कर नहीं है तो अपने चुनरी के कोने में ही डाल करके और बाहर उस थाली के बाहर में ही जो जल थोड़ा डुबो करके गिराना है, निचोड़ना है। वो तो रोज कर ही रहे होंगे, आपको ज्ञात होगा ही, उसी तरह करना है। ओम जे के हो गया सबका, जे के चास्मत कुले जादा अभुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृहणन्तु मया दत्तम वस्त्र निस्पीडनोदकम्। झाड़ दीजिए। अब फिर पुनः भीष्म का तर्पण करना है, उनके भगवान भीष्म के कोई नहीं थे, भीष्म पितामह के, उनके नाम से करना है। ओम वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अभुत्राय ददामे तज्जलं भीष्माय वर्मणे भीष्मा सांदन भो वीर सत्यवादी जितेन्द्रिया अभिरब्धिरमाप्नोतु पुत्र पौत्रो चित्तां क्रिया। अब पुनः सब होकर के पूरब की तरफ मुख हो जाए, सब होकर के आचमन कर लें, तीन बार पुनः जल पी लें, पूरब की तरफ मुख हो जाए, पुनः तीन बार दाहिने हाथ से जल पी लें, हाथ धो लें, वो गमछे से हाथ पोंछ लें, आचमनाम अब हाथ जोड़ करके ओम ब्रह्मा जन्यानाम प्रथमाम्बुरताजोन आवहिया उपमा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ईदाम विष्णुमे त्रेधा निदधे पदम च मूढ़ चुंसुरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतो दैघवे नमः बाहुभ्यामुदधे नमः रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सवितात्वा सवाना कुशुवत् भग्नगृहपदीना कुशोमोपन्नपदीना बृहद्भद्रवाजा इन्द्रो जयिष्ठाय रुद्रः पद्भ्यो मित्रा सद्यो वरुणो धर्मपदीनाम् ओम सवित्रे नमः सवितारम् आवाहयामि पूजयामि ओम मित्रस्य च रेखाणी धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नम् चित्रस्रावस्तावम् मा मित्राय नमः मित्रम् आवाहयामि सब पूजयामि ओम इमाम मे वरुणध्रुवे हवमदिया च मृणया त्वामवसुरा च के वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि पूजयामि। अब जो है सभी लोग जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उसी तरह उसमें थोड़ा सा रोली डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ओम आ कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्न मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सवितारभेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। हाथ जोड़िए जपा कुडुम ढंगार अश्वे महादुदे तमोरिं सर्व पापगण प्रणतोऽस्मि दिवाकर सवित्र श्री सूर्य नारायणाय नमः। अब दोनों हाथ जोड़, माताएं हाथ जोड़े रहेंगी और पुरुष वर्ग जो है सूर्य उस प्रस्थान कर, दोनों हाथ ऐसे उठा लीजिए ऐसे, माताएं हाथ जोड़ेंगी, माताएं हाथ जोड़ेंगी। ओम मां ओम अदृश रामसिया के दावो वीरस मायो जाना आनो भ्राजंदो अग्नाये यथा उपयाम गृहीतो सूर्या यद्वा भ्राजायै खदे ज्योनि सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवे क्वजि भ्राजिष्ठोऽहं मनुके गो भूयारम्मा।
हगो साहा सुजी खदवा सुरंदारिक्ष सद्धोता बेदक दिदि दुरोल सद निखादा वारा सादा सब सादा बियो मासादब जागो जारिता जा आद्रि जारिताम ब्रिहत। हाथ जोड़िए सभी लोग, पूरब की तरफ प्रणाम करिएगा, ओम प्राच्यै नमः इंद्राय नमः। ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए जैसे गुरुजी बता रहे हैं, हाथ जोड़ करके पूरब की तरफ, ओम प्राच्यै नमः इंद्राय नमः, ओम आग्नेयाय नमः अग्नि दिशा की तरफ, अग्नेयाय नमः अग्नये नमः, दक्षिणाय नमः यमाय नमः, नृत्यै नमः ओम नृत्यै नमः, प्रदीच्यै नमः वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये नमः ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः अनंताय नमः। अब पुनः एक एक अंजलि जल सीधे ऐसे पितृतीर्थ से गिराना है। कुशा रख लीजिए हाथ में, कुशा हाथ में रख लीजिए और एक एक अंजलि जल ऐसे गिराते जाएंगे। उसी तरह धारा जैसे दिए हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महाभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अभ्यो नमः, ओम अभाम्बदये नमः, ओम वरुणाय नमः। अब उसी जल को जो है दोनों हाथ से ऐसे लेकर के ऐसे माथे में शरीर में मुख ऐसे पोंछ लेना है। ओम सां वर्जाधा पयसा सांतानो भीरगन महिमानजा शग्गु शिवेन त्वष्टा सुधतरो विदाधा तुरायो नुमाष्टु तन्व जदविलिष्टा मा। अब हाथ जोड़ लीजिए, ओम देवा गातो विदो गातुम वितवा गातो मितो मानसपादा इमान देव जदने गौ स्वाहा वाते धाहा। सभी लोग दाहिने हाथ में जल ले लीजिएगा, सभी लोग दाहिने हाथ में जल लीजिए। कलिए अनेन यथाशक्ति कृतेन त्रिपिंडी श्राद्धांग भूत प्रेत देव ऋषि दिव्य पितृ तर्पणाखेन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन प्रीयताम नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। हाथ जोड़िए, प्रमादात् कुर्वतां कर्म पच्चवेता धरेचुया स्मरणादेव दधविष्णोऽथं बोढस्यादिश्रुतिः यस्य स्मृता जना भोक्त्यागमो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतामयाते सद्यो वन्दे तमच्युता यत्पादपङ्कजस्मरणां यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे श्यामवेदुला। तीन बार कहिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम गदाधराय नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 बम बम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान
संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम हर हर बम बम, हर हर बम बम हर हर बम बम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कष्ट हरो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कष्ट हरो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कष्ट हरो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बागेश्वर धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। अन्नपूर्णा महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गदाधर क्षेत्र धाम की जय। गया क्षेत्र धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता अन्नपूर्णा महारानी की जय। श्री काल भैरव बटुक भैरव भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री आवाहित देवी देवताओं की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सभी लोग आसन के नीचे थोड़ा जल चढ़ाएंगे, माथे में लगाएंगे ओम शंकराय नमः, और तर्पण वाला जल है लेकर के सभी लोग आपस में कोई वार्ता नहीं करेगा, बड़े सावधानी पूर्वक पंक्तिबद्ध जाएंगे, फल्गु जी में विसर्जित करेंगे जल को। लोटे को भी लेते जाइए, लोटे वाले जल को भी डाल दीजिएगा, और दोनों पात्रों को धुल करके फिर लोटे में जल लेकर के पुनः आइएगा। राम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम,
अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कष्ट हरो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कष्ट हरो राम। सीता राम हनुमान, 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 अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, नैया पार करो, मेरे डूबती नैया पार करो, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, दया तीर्थ क्षेत्र की, सभी आवाहित देवी देवताओं की, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सभी लोग दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे, सभी लोग पूर्वाभिमुख बैठ जाएं, सभी लोग पूरब की तरफ मुख कर लेंगे, सभी लोग पूरब की तरफ मुख कर लेंगे। चंदन जी उधर सबका निर्देश करते रहिएगा, सबको देखते रहिए, सब कोई, सभी लोग पूरब की तरफ ईस्ट फेसिंग कर लीजिए, सभी लोग सभी लोग दाहिने हाथ से, ये बीच में खाली है अभी, कोई हमारे यजमान जी इधर कहीं इधर उधर है क्या?
हाँ आ जाए आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। समय लगेगा क्या आने में? एक बार मैसेज दे दिया जाए कि प्रारंभ सब लोग आ जाएंगे अच्छा रहेगा। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः मंगलमूर्तये नमः। सभी लोग दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यन्मरेत् पुंडरीकाक्षं जवाह्याभ्यन्तरातुचि पुंडरीकाक्षपुनातु पुंडरीकाक्षपुनातु पुंडरीकाक्षपुनातु। अब दाहिने हाथ से सभी लोग तीन बार जल पीना है। दाहिने हाथ से सभी लोगों को जल पीना है। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए सभी लोग। अब पुरुष वर्ग पवित्री पहन लेंगे। पुरुष वर्ग पवित्री पहन लेंगे। ओम पावितरे स्थो भैरव्यौ शावे दुर्बा प्राशावा उत्पो नाम यक्ष दरेण पावितरे यासोर जच्चारच में भी तस्याते पावित्रा पादे पावित्रा पो तस्या जत्कामा पुने तच्छके अम्मा पवित्री धारणम कृत्वा विष्णुर्वरे द ओम ईदाम विष्णुर्वीचक्रामे त्रेधानि दधे पादम्मा सामूढमज्या पाद्गुसूरे स्वाहा ज्योतिरजोमृतम ब्रह्म पूर्ववास्वरो। हाथ दाहिने हाथ में जल लेकर के आसन शुद्धि ही। ओम देवी तुम देवी पवित्रं गुरुचासना। ओम आधार शक्ते कमलासनाय नमः पद्मासनाय नमः। अब माताएं हाथ जोड़ लेंगी और पुरुष वर्ग शिखा स्पर्श करेंगे। ओम ऊर्ध्वके देवरूपाक्षे मादरोणे तपोजने तेष्टदे विलगावन्दे चामुण्डे चापराजिते। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि हमारे घर में सुख शांति रहे और हम यह पूजन कर रहे हैं हमारी मनोकामना की प्राप्ति हो। ओम तीक्ष्ण धनुष महाकाय कल्पांत धनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्द्रातुमर्हते। गुरुर हाथ जोड़ करके
गुरु जी के चरणों को प्रणाम करिएगा। ओम अखंड मंडलाकार व्यापम येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमले भ्यो नमः। मंगल मूर्तये नमः। अब हाथ में पुष्प लेकर के अपने मंगल की कामना करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें और अपने घर में मंगल की कामना करेंगे। हरि ओम मा विश्वानी देव दर्दोरेता नेपारा शुभ जत भद्रा महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सजी पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वारुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं ढुंडे दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि तम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिदयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देव श्री गया तीर्थ क्षेत्र देवताभ्यो नमः। श्री गदाधराय नमः। फल्गुदेव्यै नमः। शिलादि गया तीर्थस्थ देवताभ्यो नमः। सभी लोग सामने अर्पण कर देंगे और दाहिने हाथ में जल अक्षत और पैसा, जल अक्षत और दक्षिणा दाहिने हाथ में ले लेंगे और संकल्प करेंगे।
सभी लोग बोलेंगे, तीन बार कहें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, नमः ओम श्री बागेश्वराय नमः, ओम श्री सन्यासी देवाय नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री गदाधराय नमः, नमः पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणः अहनि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराहकल्पे जम्बुद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तैक देशांतर्गत बिहार प्रदेशे गया तीर्थ क्षेत्रे फल्गु नद्याः पूर्व दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे कालयुक्त नामके संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने उत्तरगोल शरद ऋतौ महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य कृष्णपक्षीय द्वादश्याम शुभपुण्डतिथौ भानुवासरे मघानक्षत्रे श्राद्धयोगे तैतिलकरणे शिंबराशि स्थिते श्रीचंद्रे कन्याराशि स्थिते श्री सूर्ये वृषराशि स्थिते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु च यथायथं राशि स्थानानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्य काले गोत्रः। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम कहिए, सभी लोग अपना अपना नाम कहिए, कहिए सकुटुंब सपरिवार सहितः अहम् विशेषतः गर्ग गोत्रेण श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग परिव्राजकानां संकल्पित कामना सिद्ध्यर्थं च मम सद्गुरुदेवाय अचल कृपा प्राप्ति अर्थं विशेषतः मम गृहे सुख शांति नित्य कल्याण स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थं सर्वाबाधा शमनार्थं दीर्घायुः आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभि वृद्ध्यर्थं मत्कुले समस्त पीड़ा शमनार्थं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस ब्रह्मराक्षसी गण आदि दोष निवृत्ति अर्थं शांत्यर्थं शरीरे उत्पन्न आदि व्याधि पीड़ा कष्ट निवारणार्थं च
शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री गदाधर श्री विष्णु प्रसन्नार्थम तत्चरण कृपा प्रसादात अद्य करिष्यमाण त्रिपिंडी श्राद्धांग देव ऋषि पितृणाम तर्पणम करिष्ये। सामने अर्पण कर दें बाहर। संकल्पितार्थ सिद्धिरस्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदये ते दैवन्तादुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकान्तन्वे मनः शिवासंकल्पमस्तु। संकल्पितार्थ सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। अब दोनों हाथ से ऐसे अंजलि बना करके अपने पितरों का आवाहन करना है, सभी का जिनका जिनका आप चेहरा देखे हैं उन सब पितरों का ध्यान करते हुए और पूर्वजों का आवाहन करना है। ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋजयास्तनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। अब सबसे पहले देवताओं का तर्पण करना है, जैसे पहले दिन बनाए थे देव तीर्थ। पता है ना कैसे होता है? सामने ये देव तीर्थ से जैसे ही कहेंगे जौ कुशा और जल लेना है तो देव तीर से तर्पण करेंगे। पहले चावल लेंगे, जल लेंगे। चावल कुशा और जल लेते हुए देवताओं का तर्पण करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? दाहिने हाथ में जल चावल और कुशा लेकर के बाएं हाथ से जल छोड़ते रहेंगे और तर्पण करना। जो बोल सकते हैं तो तृप्यताम बोल सकते हैं, यदि बोलने में असमर्थता है तो केवल श्रवण करेंगे। ओम ब्रह्मा त्रिप्यता, ओम विष्णु त्रिप्यता, ओम रुद्र त्रिप्यता, ओम प्रजापति त्रिप्यता, ओम देवा त्रिप्यता, ओम छंदांसि त्रिप्यता, ओम वेद त्रिप्यता, ओम ऋषयः त्रिप्यता, ओम पुराणाचार्याः त्रिप्यता, ओम गंधर्वाः त्रिप्यता, ओम इतराचार्याः त्रिप्यता, ओम संवत्सरः वया तृप्यता, ओम देव्यः तृप्यता, ओम अप्सरसः तृप्यता, ओम देवानुगाः तृप्यता, ओम नागाः तृप्यता, ओम सागराः तृप्यता, ओम पर्वताः तृप्यता, ओम सरितः तृप्यता, ओम मनुष्याः तृप्यता, ओम यक्षाः तृप्यता, ओम रक्षांसि तृप्यता, ओम पिशाचाः तृप्यता, ओम सुपर्णाः तृप्यता, भूतानि त्रिप्यन्ता, पशवः त्रिप्यन्ता, वनस्पतयः त्रिप्यन्ता, औषधयः त्रिप्यन्ता, भूतग्राम चतुर्विधः त्रिप्यन्ता, मरीचिः त्रिप्यन्ता, अत्रिः त्रिप्यन्ता, अङ्गिराः त्रिप्यन्ता, पुलसः त्रिप्यन्ता, पुलहस्तः त्रिप्यन्ता, कृतुः त्रिप्यन्ता, वसिष्ठः त्रिप्यन्ता, प्रचेताः त्रिप्यन्ता, भृगुः त्रिप्यता, ओम नारदाः त्रिप्यता। अब उत्तर की तरफ घूम जाएंगे, उत्तर की तरफ, और ऋषि तीर्थ से सबको तर्पण करना है। ऋषि तीर्थ जो सबसे छोटी अंगुली है, जौ रख लेंगे, कुशा रख लेंगे और जल रख लेंगे। जौ कुशा और जल ऋषि तीर्थ जो छोटी वाली अंगुली है सबसे, ये छोटी वाली अंगुली की तरफ से ऋषि तीर्थ से करना है।
हो गया सब लोगों का, आगे तरफ सब लोग घूम गए उत्तर की तरफ, सबके पास सामग्री है हाथ उठाए रहिएगा, जिनके पास सामग्री नहीं हो तुरंत व्यवस्थापक लोग वहां पहुंचाएं शीघ्रातिशीघ्र। बड़े भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप लोग ऋषि तर्पण करें। हमारे घर में वंश में ऋषियों की कृपा बनी रहे, विद्या बुद्धि से परिपूर्ण हो, इन ऋषियों की कृपा हमारे वंश पर बनी रहे, ऐसा भाव रखते हुए तर्पण करना है। हो गया सबके पास, प्रारंभ किया जाए। ओम, अब दो दो बार, एक बार जल डालेंगे दो बार में छोड़ेंगे। ओम सनकः त्रिप्यदां, ओम सनंदनः त्रिप्यदां, ओम सनातनः त्रिप्यदां, ओम कपिलः त्रिप्यदां, कपिलः त्रिप्यदां, ओम आसुरः त्रिप्यदां, आसुरेश त्रिप्यदां, ओम बोधो त्रिप्यदां, बोधोस् त्रिप्यदां, ओम पंचशिखः त्रिप्यदां, ओम पंचशिखः त्रिप्यदां। हाँ, अब सभी लोग दक्षिण की तरफ मुख कर लेंगे और पितृ तीर्थ से सबको तर्पण करना है दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ सभी लोग घूम जाएं, हमारे तरफ। अब काला तिल दाहिने हाथ में, काला तिल लेना है, कुशा लेना है और जल लेना है। पितृ तीर्थ से सभी को तर्पण करना है। शायद अब तो सबको पता चल ही गया होगा, पितृ तीर्थ से ही सबको करना है। ये तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य में से, ठीक है, बड़े भाव से अभी पितरों के देवताओं का तर्पण करना है। ओम कब, ओम कपवाणः त्रिभुजामिदं फजलं जलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमः त्रिभुजामिदं फजलं जलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमः त्रिभुजामिदं फजलं जलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम आर्यमः त्रिभुजामिदं फजलं जलं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम अग्निखवादाः त्रिभुजामिदं फजलं जलं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम सोम पितरः त्रिभ्यन्दामिदं फजलं जलं तेभ्यः स्वधा। ओम वरेगदः पितरः त्रिभ्यदामिदं फजलं जलं तेभ्यः स्वधा। अब शास्त्रों में 14 प्रकार के यम हैं, उन 14 यमों को भी जल देना है। तीन तीन बार जल देते रहे, ठीक है, एक बार में जल भरते हुए तीन तीन बार में जल ऐसे गिराते रहेंगे। देख लीजिएगा, काला तिल साथ में लिए रहिए, काला तिल और कुशा और जल डालते हुए तर्पण करना है। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अनंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः।
ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। पुनः हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग, बड़े भाव से अपने पितरों का ध्यान करना है, आवाहन करना। ओम आगच्छन्तु मे पितरौ एवं गृह्णाम दुजलांजले। अब जो है जिनके पिताजी नहीं है, पिताजी के नाम से तर्पण करना है। ओम गोत्रः अस्मत् पिता नाम कहिएगा, वश रूपा त्रिपिता विदम तिलोदका। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। अब दादाजी का नाम कहिएगा, गोत्रः अस्मत् पिता महा रुद्र स्वरूपः त्रिप्यदा विदम तिलोदकम्। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। पर दादाजी का ध्यान करिएगा, गोत्रः अस्मत् पिता ओम अस्मत् प्रपिता महा आदित्य स्वरूपः त्रिप्यदा मिदं तिलोदकम्। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम मधुबादारिताय ते मधुक्षरं देहेन्दवः माध्वीर्णा छन्दोकादिः मधुनक्तमोदोकरो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधु द्यौरस्तुराः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमा अस्तु सूर्याः माधवीर्गावो भवन्तु नः। अब जिनके माताजी नहीं है तो माताजी के नाम से करना है। गोत्रा अस्मन् माता अमुकी देवी नाम कहिएगा, गायत्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदम तिलोदका। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। दादी जी का नाम कहिएगा, गोत्रा अस्मत् पितामही सावित्री स्वरूपा त्रिप्यदाम इदम तिलोदकम्। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अपर दादी जी का ध्यान करिएगा, गोत्रा अस्मत् प्रपितामही नाम कहिएगा, सरस्वती स्वरूपा त्रिप्यदाम इदम तिलोदकम्। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अगर किसी के सौतेली माता थी उनके नाम से करना है, गोत्रा अस्मत् पत्न माता आपकी देवी नाम कहिए, गायत्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदम तिलोदका। तस्यै स्वधा। अब नाना जी का, जिनके नाना जी नहीं है उनके नाम से करना है। गोत्राः नाना जी का नाम कहिए, अस्मन् माता बशरूपा त्रिप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। अब पर नाना जी का ध्यान करिएगा, गोत्राः अस्मत् प्रमाता महः रुद्रस्वरूपः त्रिप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। अद्य गोत्राः अस्मत् वृद्ध प्रमाता महः आदित्यस्वरूपः त्रिप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। अब नानी जी का ध्यान करिएगा, जिनके नानी नहीं है उनका, उन्हीं को करना है। गोत्रा अस्मन् माता मही उनका नाम कहिए, गायत्री स्वरूपा त्रिप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अपर नानी जी का ध्यान करिएगा, गोत्रा अस्मत् प्रमाता मही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा द्रप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अब वृद्ध प्रणानी जी का ध्यान करिएगा, गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमाता मही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिप्यदाम इदम् तिलोदकम्। तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। जिनके पत्नी नहीं है तो पत्नी के नाम से करना है। अद्य
अस्मत पत्नी अमकी देवी इदम सदिलम जलाम तस्यै सदा। जिनके पुत्र नहीं है, पुत्रगत हुए हो, उनके नाम से करना है। अद्य अर्मद पुत्रा इदम सदिलम जलम तस्मयी सुधा। जिनके चाचा जी नहीं है, चाचा जी के नाम से करना है। छोटे चाचा हो या बड़े चाचा हो या चाचाओं की जितनी संख्या है, उनके उनका नाम सभी का चाचा ताऊ सबका नाम लेते रहना है। अद्य अदमद पितृव्या इदम सदिलम जलम तस्मयी सुधा। अब चाची जी के नाम से करना है। अद्य असमद पृथिव्य पत्नी यमकी देवी इदम सदिलम जला तस्यै सदा। चाचा का लड़का चचेरा भाई कोई हो, अद्य अरमद पितृव्य पुत्रा इदम सदिलम जला तस्मै सदा। मामा जी का ध्यान करिए, अद्य अरमन मातुला अमुक गोत्रा इदम फदिलम जला तस्मै सदा। मामी जी का ध्यान करिए, अद्य अस्मन मातुलानी गोत्रा अमकी देवी सदिलम जला तस्यै सदा। ममियाउत भाई कोई हो, उनका ध्यान करिए, अद्य अश्मन मातुल पुत्रा अमुक गोत्रा इदम फतिलम जलाम तस्मयी सदा। अपना कोई सगा भाई हो या चचेरा भाई हो, भाई के नाम से करना है। अद्य अडमद भ्राता अमुक इदम सदिलम जलाम तस्मयी सदा। कोई भतीजा हो, चाचा की कोई लड़की हो, उनके नाम से करना है। इदम फदिलम जला तस्यै सदा। और अपने भाई की कोई स्त्री हो, अद्य अडमद भ्रातृपत्नी इदम सदिलम जला तस्यै सदा। कोई भतीजा हो, अद्य अडमद भ्रातृपुत्रः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। फूफा जी का नाम कहिएगा, अद्य असमद पितृ स्वश्रीपति ही अमुक शर्मा इदम सदिलम जला तस्मै सदा। फुआ जी का ध्यान करिए, जिनके फुआ नहीं है, अद्य अनमित असमत पितृ स्वसा अमुक गोत्रा इदम सदिलम जला तस्यै सदा। फुफेरा भाई, फुआ का लड़का यदि कोई गत हुआ है, उनका नाम कहिए। अद्य अनमत पैतृस सुत्रेयः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। मौसा जी का ध्यान करिएगा, अद्य अस्मन माति स्वश्रीपति इदम सदिलम जला तस्मै सदा। मौसी, अद्य अस्मन मातृस्वसा अमकी देवी इदम सदिलम जला तस्यै सदा। मौसेरा कोई भाई हो, इद अद्य अस्मन मातृस्वत्रेयः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अपनी कोई बहन हो, अद्य अर्मद भगनी अमुक गोत्रा इदम सदिलम जला तस्यै सदा। अपना कोई बहनोई हो, अद्य अर्मद भग्निपति इदम सदिलम जला तस्मै सदा। बहन का कोई लड़का हो, भांजा, अद्य अर्मद भाग्नेयः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अपने ससुर यदि गत हुए हो, अद्य अर्मद ससुराः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अब सासु माँ का ध्यान करिए, अद्य अर्मद ससुरुः इदम सदिलम जला तस्यै सदा। अब गुरु, आपके शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनका ध्यान करते हुए जलांजलि देना है। अद्य अर्मद गुरुः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अद्य अब मित्र का, जो भी मित्र हो, उनका ध्यान करते हुए, अद्य अस्मन मित्राम इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अपने कोई सेवक हो या नौकर हो, कोई ज्ञात अज्ञात में, उनके नाम से करिएगा। अद्य अस्मद भृत्याः अमुक अमुक नाम धेयाः इदम सदिलम जला तस्मै सदा। अब जो है, जिनका नाम हम नहीं बोले हैं और आपको पता है, उनका ध्यान करते हुए या जिनका नाम लिख करके लाए थे, उनका नाम कोई ज्ञात अज्ञात में छुटे हुए हो, उनके नाम से करना है। तीन बार छोड़िएगा, त्रिप्यध्वा त्रिप्यध्वा त्रिप्यध्वा। तीन अंजलि छोड़ दीजिएगा, ज्ञात अथवा अज्ञात जो लोग हैं। अब पूरब की तरफ मुख घूम जाइए, कर लीजिए। पुत्र के लिए बोले ना,
पति और पुत्री के लिए। अद्य अरमत् कन्या इदं सतिलं जलं तस्मै तस्यै स्वधा। अद्य अरमत् पतिः इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा।